और एंड दिस इज़ द ऑफिस जैसा मैंने बताया। और यार क्या कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग यूट्यूब, हाउ यू गाइज आर डूइंग। आज है 24th ऑफ जनवरी और संडे। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। लेकिन हम हुए हैं रेडी बिकॉज वी आर गोइंग ऑफिस टूडे एंड देर आर टू रीजन्स बिहाइंड दिस। फर्स्ट तो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाया जाए अबाउट शोइंग द प्रोफेशनल लाइफ जितना मैं बता सकूँ। एंड सेकेंडली द प्लेस वे आई एम वर्किंग राइट नाउ has completed 45 years. Yeah, it was started back in 1976 and on today the company has completed 45 years. Yes, so Sapphire करके event है तो थोड़ा बहुत celebration होगा और जो भी चीज़ें होगी आप लोगों को बताएंगे and I will try to share as much as I can. तो अब सीधे निकलते हैं और मैं मिलता हूँ आपको बाइक पे। ओके हटो हटो यार, जगह दो। एक तो लोग इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं ना यार, समझ ही नहीं आता किधर जाएंगे किधर चलेंगे। एनीवेज, हेलो लवली पीपल, हेलो यूट्यूब, गुड मॉर्निंग अगेन। सो मैंने आपको बता ही दिया आज क्या इवेंट है और आज हम ऑफिस जा रहे हैं। तो जो भी इवेंट होगा आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं डायरेक्ट ऑफिस। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया पिछली वाली वीडियोस में, उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो हम पहुँचने वाले हैं ऑफिस और मैं करता हूँ गाड़ी पार्क। जब तक आप इंजॉय कीजिए ऑफिस के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। ओके देन, सी यू। हाँ जी, तो हम पहुँच गए हैं ऑफिस और जो मुझे आपको आज दिखाना था और जहाँ आई एम वर्किंग राइट नाउ इज BPCL। यू मस्ट नो, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड दिस इज़ बेसिकली ऑफिस प्लस बॉटलिंग प्लांट जहाँ पे सिलेंडर्स की फिलिंग होती है। यस, जो आप सभी के घर आते हैं सिलेंडर्स, वही। सो दिस इज़ अ डी लाइसेंस्ड एरिया, दिस इज़ बेसिकली ऑफिस एरिया विच आई कैन शो यू। और जो प्लांट है दैट इज़ लाइसेंस्ड एरिया जो उस साइड है इसके पीछे, उसका मैं आपको ज़्यादा ओवरव्यू दे नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, बट इफ़ पॉसिबल मैं कुछ क्लिप्स आपसे शेयर करूँगा। सो आज है 45th बर्थडे ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसी वजह से इतनी सजावट आप देख पा रहे हैं। और सुदीप सर भी हमारे साथ है। सुदीप सर, प्लीज़ मास्क हटाइए आप। वैसे मास्क लगाना यह ज़रूरी है, मैंने सिर्फ वीडियो की वजह से हटा रखा है मास्क, बाकी मास्क इज़ कंपल्सरी। सुदीप सर को तो आप जानते ही हैं, हमारे प्रिय मित्र जो पिछली वीडियो में थे मकर संक्रांति। आप कुछ कहना चाहेंगे, दो शब्द? हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब बियर्डेड बीस्ट। एंड बहुत मज़ा आया था पिछले, मुझे भी बहुत मज़ा आया था उस ब्लॉग में, मेरी पूरी फैमिली आई थी। लेकिन आज ये है वो जगह है जहाँ हम काम करते हैं और बड़े गर्व भी होता है कि देश की सेवा है यहाँ पर जो काम करना, क्योंकि इट इज़ ये देश की कंपनी है और जो प्रोडक्ट यहाँ बनता है वो है LPG सिलेंडर। जो पैकेजिंग होती है, बॉटलिंग होती है, जो आपके घर में आप डोमेस्टिक जो LPG सिलेंडर आप यूज़ करते हैं उनकी बॉटलिंग होती है। सो मेरे को व्लॉग बनाना था तो मैंने सोचा इससे अच्छा ओकेज़न क्या हो सकता है कि व्लॉग भी बन जाएगा वर्क लोकेशन का और साथ ही साथ आज 45th बर्थडे भी है, 45th एनिवर्सरी है भारत पेट्रोलियम की। तो जो भी सीन्स है वो आपको दिखाएंगे और बाकी इन्जॉय करिए आप व्लॉग।
सो आपको अब थोड़ा सा और ओवरव्यू दे दिया जाए प्लांट के बारे में। ये पूरा गार्डन सेक्शन है प्लांट का, और ये जो ट्रक उस साइड जा रहा है वो पार्किंग है, इस वॉल के उस साइड पूरी पार्किंग है, और ये पूरा गार्डन सेक्शन है। दिस इज़ ऑल्सो पार्किंग, बट ड्यू टू ऑटोमेशन प्रोजेक्ट गोइंग ऑन यहाँ पे ये सामान पड़ा है। दिस इज़ पार्किंग, दिस इज़ ऑल्सो पार्किंग। ओके, दिस इज़ वेल्डिंग सेक्शन जहाँ वेल्डिंग होती है। यहाँ पे थोड़ा और ग्रीन बेल्ट है, बिकॉज ग्रीन बेल्ट इज़ वेरी मैंडेटरी एंड नेसेसरी इन एनी एनर्जी रिलेटेड प्लांट्स। और यह है स्क्रैप यार्ड जहाँ पे सारा कचरा है। ये ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नेवर सीन एनी प्लांट, ओके, अंदर से किसी ने कभी नहीं देखा, सो इट्स क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसा मैंने कहा, कि आप वर्चुअली एक्सपीरियंस कर पाओ प्लांट का, कि एक्चुअली जो एनर्जी सेक्टर प्लांट्स लाइक बॉटलिंग प्लांट कैसे होते हैं, उनमें क्या होता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है। मतलब हर कंज्यूमर के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन होता है ना, अंदर क्या होता होगा, कैसे होता होगा, मतलब आपके नहीं होता होगा, मेरा ही क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा माहौल होता है प्लांट का। और प्लांट में अलग अलग गेट्स है, गेट वन, गेट टू, प्रॉपर सिक्योरिटी है, तो वो सब भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है पार्किंग एरिया जहाँ पे ट्रक्स पार्क किए जाते हैं। थोड़ा सा नॉइज़ होगा यहाँ पे क्योंकि ट्रक्स की वजह से। और ये है गेट नंबर वन जहाँ से एंट्री होती है, एंड दिस इज़ ऑफिस। जब अपन आए थे तब कोई डेकोरेशन नहीं था, एंड नाउ लुक एट द ऑल डेकोरेशन, वाओ, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और ये है गेट नंबर टू जहाँ से अपन लाइसेंस्ड एरिया में जो ट्रक्स हैं वो एंटर करते हैं आफ्टर गेटिंग चेक्ड। पहला चेक होता है उनका गेट नंबर वन पे, देन वहाँ से चेक होने के बाद वो चेक होते हैं गेट नंबर टू पे, ओके। और यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह भी सब कुछ होता है। और एंड दिस इज़ द ऑफिस जैसा मैंने बताया। अरे यार, क्या कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, एंड लुक एट द रंगोली। और ये है गेट नंबर टू जहाँ पे सेकंड वेरिफिकेशन होता है, चेकिंग होती है। और ये पूरा लाइसेंस एरिया है अंदर। इसके अंदर ना आप फोन्स ले जा सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते। सो ट्रक गेट नंबर वन से गेट नंबर टू से अंदर एंट्री लेते हैं, देन अंदर फिलिंग वगैरह होती है। और यहीं से मैं आपको व्यू दिखा सकता हूँ, सिर्फ वो शेड है जहाँ पे LPG सिलेंडर्स की फिलिंग बॉटलिंग होती है, और देन वो फिल्ड होने के बाद अगेन यहाँ पे चेक होने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस बेसिकली। तो ये है वाटर टैंक्स 1, 2 एंड 3। तो 1960 किलो लीटर इनकी कैपेसिटी है, ओके, ये तीनों वाटर टैंक है। और वो है PT शेड एरिया जहाँ पे सिलेंडर रिपेयर किए जाते हैं। इफ़ देर इज़ एनी डेंट और पेंट इश्यू और DPT इश्यू, कुछ भी इशू है, वो वहाँ सॉल्व किया जाता है। दीज आर डीजल स्टोरेज टैंक्स। ये है हिप्पो सिलेंडर, यस, ये आप किसी को भी नहीं पता होगा आप लोगों में से। दिस इज़ नोन एज हिप्पो सिलेंडर, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिलेंडर, ओके, दैट्स वाई इसका नाम हिप्पो है। और ये जस्ट नए सिलेंडर्स आए हैं मैन्युफैक्चर होके, तो इनकी चेकिंग की गई है, देन ये यहाँ उतारे गए हैं, और यहाँ से ये प्लांट के अंदर ले जाए जाएंगे। सो दीज आर न्यू सिलेंडर्स, दीज आर हिप्पो सिलेंडर्स। और ये थोड़ा सामान इस वजह से बिखरा हुआ है क्योंकि ऑटोमेशन का काम चल रहा है, पूरा प्लांट जो है वो ऑटोमेटेड होने वाला है, दैट्स वाई।
ओके, और ये है ऑफिस। ऑफिस का भी बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को। सो ये अलग अलग कैबिन्स हैं। ओके, ज़्यादा अंदर डिटेल मैं कुछ ना बता सकता हूँ ना बताऊँगा, बाकी ऐसे होते हैं ऑफिस। ओके, और यहाँ पे अभी वर्क चल रहा है ऑटोमेशन का, तो इधर कंप्लीट ऑटोमेशन होगा। ओके, हाँ जी, सो इट्स अराउंड 7 PM और जो लाइटिंग अभी हो रखी है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो रखे हैं सीन्स। ये वीडियो थोड़ी सी अजीब लगी क्योंकि लाइटिंग इस हिसाब से हो रखी है, बट जब मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगा अब प्लांट के, तब आप बताना कि कैसा लग रहा है प्लांट। ओके, तो मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ शॉट्स। Jaya Jaya.